आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आपने पाकिस्तानी मशहूर ड्रामा तुमसे तल्लुक था कि एपिसोड नंबर 23 देखी है, जिसमें सादा जो अलीना का पहला शोहर होता है, अलीना को छोड़ने के बावजूद उसकी खूबियों को दिल से मानता है और बहाने बहाने से उसे मिलता है, मगर जब यह देखता है कि अभी उसके पास नहीं है तो नाकामी पर झुंझला उठता है। मगर अलीना जिसका दूसरा शोहर नकील होता है, बहुत समझदार अच्छा शोहर साबित होता है, अलीना का पूरा साथ देता है, उसकी हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा होता है और हर मुमकिन तावन का यकीन भी दिलाता है, उसकी बेटियों को बाप का प्यार भी देता है। मगर सादान की दूसरी बीवी रामा एक इंतहाई लालची खुदगर सख्त दिल की औरत होती है। वालदेन की इज्जत का जनाजा निकाल कर धोखे से सादान की ज़िंदगी में दाखिल होती है और उसका घर बर्बाद कर देती है, उसकी काफ़ी दौलत अपने नाम करवा लेती है और फिर अपने कज़न के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाना शुरू कर देती है। रामा का कज़न एक नंबर का फरारी झूठा कंगाल होता है, सादान की नज़र पर दौलत रखता है, रामा को झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और उसे सादान के खिलाफ उकसाता रहता है और रामा के साथ मिलकर सादान की सारी दौलत जायदाद लूटने में मसरूफ़ होता है। उधर सादान को फ्रॉड के मसले में FBI वाले गिरफ्तार करते हैं और यूं रामा और उसके कज़न के लिए रास्ता और साफ हो जाता है। सादान रामा को तैयार करता है कि वो जेल जाए और अहम कागजात पर सादान से दस्तखत करवा ले, मगर सादान उल्टा उसको अहम कागजात देता है और कहता है उसके वकील के पास जाए ताकि उसका वकील उसको बचाने के लिए कुछ कर सके, मगर रामा अपने कज़न के साथ मिलकर उसके कागजात छुपा लेती है और सादान के खिलाफ केस को ज़्यादा मजबूत कर देती है। गई तो वो अपने कागजात पर दस्तखत करवाने थी, ना कि उसको बरी करवाने के लिए। रामा की माँ भी उसको समझाती है अपनी हरकतों से बाज आ जाए वरना बहुत नुकसान उठाएगी, मगर रामा पर तो भूत सवार होता है, वह खुद को बहुत अक्लमंद समझती है। रामा का कज़न रामा को मुसलसल उकसाता रहता है कि उसके खिलाफ अदालत में जाए, खुला ले ले ताकि वह शादी कर सके। उधर सादान जेल में रामा का इंतज़ार करता रहता है, मगर रामा उसको मिलने के लिए नहीं जाती, बल्कि रामा सादान के वकील को भी खरीदने की कोशिश करती है, वो इनकार कर देता है। रामा मुकम्मल अपने कज़न के बिछाए जाल में फंस जाती है, चुनाचा अपने शोर के खिलाफ बयान दे देती है और उसको पक्का फंसा देती है। उधर निमरा जो कि अलीना की बेटी होती है, उसकी और अकील की बेटियों के आपस में नहीं बनती। निमरा इमन को धक्का देकर गिरा देती है, खुद डर कर छुप जाती है और इससे पहले कोई छत से छलांग लगाए उसको नकील बचा लेता है, लेकिन वो डरी हुई होती है। उधर नकील की माँ को मौका मिल जाता है अलीना के खिलाफ बोलने का, वो कहती है ये तेरी बेटियों को प्यार नहीं देती। अब ये देखने के लिए कि रामा ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है सादान के खिलाफ, क्या वो वाकई अपने कज़न से मोहब्बत और भरोसा करने लगी है, क्या वकील पैसे देकर बिक जाएगा। देखिए एपिसोड 24। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी।